नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घरेलू नुस्खे में और मैं हूँ आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि मैं खाता पीता बहुत हूँ पर मेरा वजन नहीं बढ़ता। अगर आप अपने दुबलेपन से परेशान हैं और मोटा होने के उपाय करने के बावजूद भी अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं तो पहले वजन कम होने के कारणों का पता लगाएं ताकि किसी भी समस्या के उपचार से पहले उन कारणों को खत्म किया जा सके। इस वीडियो में हम जानेंगे मोटा होने का तरीका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटे होने का तरीका कौन सा है और दुबले पतले शरीर का इलाज और घरेलू उपाय कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वजन कम होने के कारण क्या होते हैं। शरीर की पाचक क्रिया कमजोर होने की वजह से दुबलापन आ सकता है। खून की कमी होने से भी शरीर का वजन कम हो जाता है। मानसिक और भावनात्मक तनाव के कारण भी शरीर पतला होने लगता है। ज्यादा व्यायाम या फिर ज्यादा शारीरिक काम करना, हाइपरथायराइड की वजह से भी व्यक्ति मोटा नहीं हो पाता। कुछ लोगों को ये परेशानी गेनेटिक होती है, मतलब घर परिवार में सबका वजन कम होना। अगर आपको भूख कम लगने की वजह से कम भोजन करते हैं तो इससे आपके शरीर को आवश्यकता के अनुसार पोषक नहीं मिल पाता, इससे शरीर का वजन कम होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भूख बढ़ाने के उपाय क्या करने हैं। हर रोज 2 चम्मच च्यवनप्राश खाने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और शरीर को ताकत मिलती है। इसका प्रयोग सिर्फ वेट गेन करने में ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए अच्छा है। च्यवनप्राश का सेवन किसी भी उम्र की महिला और पुरुष कर सकते हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है उन्हें वजन बढ़ाने में परेशानी अधिक होती है, ऐसे में मुलेठी का प्रयोग उत्तम उपाय है। जल्दी मोटा करने में सतावरी का इस्तेमाल करना भी अच्छा होता है। ये शरीर की पाचन क्रिया को मजबूत करता है। 2 छोटे चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और थोड़ा सा मक्खन 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर रात में सोने से कुछ पहले पिएं। इस उपाय को हर रोज करने से कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होने लगेगा।